यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का ये जो ड्रामा है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा था इनके ऊपर कोई वीडियो बनाने का। मुझे लगा यार चल रहा है, लोग जो रोस्टर हैं जो रोस्ट कर रहे हैं वो अच्छा है, इंजॉय कर रहा था वो चीज़ देख रहा था, और ना मुझे कोई शौक पड़ा था कि उस चीज़ में मैं अपने आप को घुसेड़ूँ। लेकिन हाल फिलहाल में एक वीडियो टेक डाउन कर दी गई, कैटी मिनाटी की जो लास्ट टाइम जो मोस्ट लाइक्ड वीडियो जो इंडिया की जो बनी है वो टेक डाउन कर दी गई। तो जो वो चीज़ हुई तब मुझे लगा कहीं ना कहीं यार अब बोलना तो बनता है। जो कैटी मिनाटी की जो वीडियो थी मेरे ओपिनियन में उस वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसा गलत तो बोला नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐसा फील करवाया गया कि वहां पर ये इंसान उनकी कम्युनिटी को कुछ बोल रहा है और ये कम्युनिटी उनके झांसे में आती है और कंप्लेन करना स्टार्ट कर देती है। यार ये इतना भी नहीं समझ पा रहे कोई, उनकी जानबूझकर ऐसी चीजें वो करवा रहे हैं। कभी वो रिलीजियन का कार्ड खोलते हैं, कभी वो लड़की का कार्ड खोलते हैं, फिर वो कम्युनिटी को यानी LGBTQ कम्युनिटी को बीच में लेके आ जाते हैं, और ये लोग इनकी बातों में आकर अपने आप को हर्ट करवाने लग जाते हैं और कंप्लेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन्होंने इस वीडियो को रिपोर्ट किया तब वो लोग कहाँ गए थे, जब उन्हीं की कम्युनिटी का यूज करते हुए उन्हीं की रैली में कश्मीर को आजाद करने के नारे लगाए जाते हैं। कश्मीर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, आजादी 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 आजादी। इन्हीं की रैली में प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे घटिया पोस्टर जो हैं ये लेकर आते हैं। अगर ये पोस्टर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है इंग्लिश में, आप सोच रहे हो मुझसे पढ़ा नहीं आ जा रहा, तो डिक का मतलब आप एक बार जरा सर्च कर लेना और इसका हिंदी अनुवाद मैं कर देता हूँ। मोदी इकलौता ऐसा डिक है जिसको मैं हैंडल नहीं कर सकती या कर सकता जो भी है, या फिर सर्जिल इमाम तेरे सपने पूरे होंगे या तेरे सपनों को मंजिल मिलेगी, ऐसे नारे इनकी एक रैली में लगाए जाते हैं। हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, तेरे सपनों को 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 हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। भारत माता को गर्लफ्रेंड चाहिए, ऐसे पोस्टर इनकी रैली में लगाए होते हैं। या फिर अब बात करूं एक पर्टिकुलर रिलीजियन के प्रति, ये घटिया घटिया पोस्टर लेकर आते हैं, इतनी घटिया घटिया हरकतें होती हैं, देश को तोड़ने तक की वहां पर बातें होती हैं, एक रिलीजियन के प्रति हेट पैदा किया जाता है, तब ये कुछ नहीं बोलते, तब मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं, तब तो किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। बहुत आसान होता है सोशल मीडिया पे आंसू बहाना और अपने आप को बहुत ज्यादा लिबरल करके दिखाना, असलियत इससे बहुत ज्यादा अलग है। और एक ऐसी वीडियो जिसे सिर्फ फनी वे में बनाया गया और जिसके भी इसमें रोस्ट किया गया वो खुद इसका चाहता था कि कैरी मिनाटी उसका रोस्ट करें। एलजीबीटी कम्युनिटी को इस वीडियो को रिपोर्ट करने से पहले उन चीजों से जरूर निपटना चाहिए जो इनकी कम्युनिटी का यूज करते हुए एक ऐसा घटिया प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जिन लोगों को इस कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो इस कम्युनिटी का यूज करते हैं अपना घटिया प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, हेट पैदा करने के लिए। और अब ये जितने भी राइट्स की बात करते हैं, एक बार जरा पाकिस्तान के LGBTQ कम्युनिटी या फिर वहां पे ट्रांसजेंडर का हाल देख लो, जरा पता चल जाएगा कि भारत में कितने राइट्स मिले हुए हैं। हर चीज में अपने आप को धकेलना बंद करो, इतनी इंपॉर्टेंस मत दो अपने आप को कि तुम्हें ये लगे कि जो चीज बोली जा रही है वो तुमसे ही कनेक्टेड है, किसी को कुछ नहीं पड़ी तुमसे, तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, वो लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं। किसी ने किसी के लिए छक्का या मीठा जैसे शब्दों का यूज कर दिया और जबकि उसका कोई मोटिव ये नहीं था कि भाई किसी को किसी जो ये LGBT कम्युनिटी है उसको हर्ट किया जाए, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे वे में उसका यूज किया गया और इन जैसे शब्दों से अपने आप को ऑफेंड करके ये जो कम्युनिटी है वो कंप्लेनिंग करना स्टार्ट कर देती है और वीडियो जो है वो डिलीट करवा दी जाती है यूट्यूब से। यूट्यूब तो चलो बंद ही हुई है रूल एंड रेगुलेशन के अंदर, वहां पे सोशल मीडिया से तो वीडियो डिलीट हो गई, लेकिन रियल लाइफ में आप कैसे डील करोगे उन लोगों से? आप एक तरीके से तो हेट ही फैला रहे हो। एक तरफ जहां पर रैली में देश विरोधी नारे लग रहे हैं, एक धर्म को लेकर वहां पे हेट पैदा की जा रही है, प्रधानमंत्री तक को लेके वहां पर ऐसे घटिया घटिया पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कश्मीर को आजादी के लिए नारे लगते हैं वहां पर तो इनका मुंह नहीं खुलता, और जहां पर लोग कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करते हुए अपने थॉट्स को एक फनी वे में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तब ये लोग कम्युनिटी की शील्ड ओपन करके इन वीडियो को टेक डाउन करवाने आ जाते हैं। अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब अगर कोई भी मेरी वीडियो से अगर हर्ट हुआ है तो अब ये सोच रहे हो कि मैं अब कोई सॉरी बोल दूंगा, तो यार वहम में हो, मैं कोई सॉरी वोरी नहीं बोलने वाला, या फिर मीठा मीठा लो
फिर मीठा मीठा शब्द मैंने यूज कर दिया। अरे एक काम करो ना, मीठा और छक्का वर्ड ये दोनों वर्ड ना पेटेंट करवा लो और बता दो इनकी जगह हम कौन सा वर्ड यूज करें, कि भी अगर किसी ने क्रिकेट में अगर छक्का मार दिया तो पेटेंट करवा रखा है वो वर्ड, तो अब ना LGBTQ कम्युनिटी को एक डिग्रेड करने के लिए यूज किया जाता है, तो भाई उसके लिए अलग वर्ड आएगा, अब छक्का मत बोलो, ये कम्युनिटी हर्ट हो जाती है, अपने आप को ऑफेंड करवाने लग जाती है। कमाल की बात है, कुछ लोग शब्दों को लेकर एक कम्युनिटी को उसमें घुसेड़ने में लगे हुए हैं और को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इनकी बातों में आके उसमें सचमुच में अपने आप को धकेलती भी जा रही है। थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो। अब जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, इज्जत नहीं मिलती। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।